بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ألهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اسلامی نظریہ حیات کے عنوان پر یہ ہماری نویں تقریر ہے اور کل یہاں آخری تقریر ہوگی. جو کچھ بھی عرض کیا جا رہا ہے ہم اپنے نقطہ نگاہ کو اور اپنے موقف کو واضح کرتے جا رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ پھر یاد رکھیے کہ اسلامیات یا اسلامک آئیڈیالوجی ایک نہایت اہم موضوع ہے اور بحیثیت ایک لازمی مضمون کے اس پر اور زیادہ دقت نظر سے مضامین کی ترتیب کی ضرورت ہے. فقط یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اختیاری مضمون بنا کر اس میں اور بہت سے ابواب شامل کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اسی کتاب پر اپنا موقف واضح کر رہے ہیں اور اپنی فکر کے راستے کو بتلانا چاہتے ہیں اس لیے بغیر کسی معذرت و اعتذار کے یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ جہاں عنوان رسالت سارے مسلمانان عالم کے لیے ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے بلکہ اسلام کی مرکزی فکر ہے اور اسلامیات کا یہ مسئلہ روح رواں ہے، اس اہمیت کے ساتھ اس عنوان پر مضامین جمع نہیں کیے گئے. کل میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اور چونکہ ابراہیم مسلم تھے، اسماعیل مسلم تھے، یعقوب مسلم تھے، نہیں یعقوب کی اولاد مسلم تھی، یہ سب قرآن مجید کی آیتیں ہیں، تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اسلامک آئیڈیالوجی میں ایک مناسب جگہ انبیاء ما سبق کے لیے وقف کی جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ عجیب بات ہے کہ اسلام کی اس روش کو واضح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جہاں اسلام نے ہر نبی کی کرامت و شرافت کا اعلان اس وقت کیا جبکہ اس نبی کے ماننے والوں نے اس نبی کی توہین کی کوشش کی. اسلام نے ہمیشہ
तंजीह अंबिया को पेश किया, इस्मत अंबिया को पेश किया। आज जगह जगह पर ईसाइयत हमारे खिलाफ जाल बिछाए हुए हैं, मगर यही वो ईसाइयत थी, यही वो नसरानियत थी जो कभी इस्लाम के आस्ताने पर सर्वसुजूद, और इसलिए सर्वसुजूद कि सारे आलम में यहूदियों ने इनका नाक में दम कर रखा था, और यहूदियों ने इनके मरकजी फिक्र पे हमला कर दिया था, बाप बेटे रूहुल कुदुस के तसव्वुर को तबाह कर दिया था, और ये वजाहत कर दी थी यहूदियों ने कि मरियम पाक नहीं है, बदतरीन गुनाह की तोहमत लगाई गई, और नसरानी चुप थे क्योंकि अब उनकी किताब तो मस्ख हो चुकी थी, और उसी बाइबिल में जो उनके हाथों में है उसमें मरियम के शौहर का नाम लिखा हुआ था, और उसी बात में यह लिखा हुआ था कि शौहर ने इनकार कर दिया था कि यह मेरी औलाद नहीं है, ऐसे मौके पर कुरान ने सहारा दिया, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के व सफा के अला निसाइल आलमीन, ऐ मरियम अल्लाह ने तुझको मुस्तफा किया, अल्लाह ने तुझको ताहिर किया, अल्लाह ने तुझको आलमीन की औरतों पर बरगुजीदगी अता की, इसी कुरान ने ईसा के पाक और ताहिर होने की गवाही दी और कहा कि इन्नमा मसल ईसा का मसल आदम खलकहू मिन तुराब, ईसा की मिसाल ऐसी ही है जैसे आदम की मिसाल है, क्यों परेशान होते हो, हमने आदम को भी तो मिट्टी से पैदा किया था, हमने ईसा को अपने अम्र से पैदा किया है। यहां बात बात पर सूरह मरियम में, सूरह कहफ में, सूरह आले इमरान में खुसूसियत से कुरान ने मरियम की हिफाजत की, ईसा की हिफाजत की, नसरानियों को यहूदियों से पंजे के पंजे से बचाया। आज वही नसरानियत यहूदियत की हल्का बगोश है, सियासी तकरीर नहीं है, वरना हम यह बतलाते कि इस्लाम ने जहां जहां एहसान किया है वहां एहसान लेने वालों ने इस्लाम से मोहसिन कुशी की है। बहर सूरत दाऊद, यही तौराए दाऊद पर सख्त तरीन हमला किया गया ओरिया के सिलसिले में, मगर इस्लाम ने हिफाजत, इस्लाम ने हिफाजत की। अय्यूब पे हमले किए गए कि इनकी बीवी मजबूर हो गई थी फख्र फाके के आलम में कि अपने जुल्फों को तराश के बेच दे, मगर इस कुरान ने एक एक नबी का जिक्र किया, और एक सूरे का सूरा मुस्तकिल सूरह स्वाद, स्वाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्वाद वल कुरान ज़िक्र, कसम है कुरान की जो साहेब जिक्र है, जो साहेब जिक्र है, और इसी सूरे में इरशाद हुआ वज़कुर अब्दना अय्यूब, हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करो, नेमल अब्द कितना अच्छा बंदा था, यह अंबिया का मकाम। अरे आप कम से कम इसी आयत को लिख देते अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी में, अय्यूब का जिक्र करते तो इतना ही लिखो, वस्कुर अब्दना अय्यूब नेमल अब्द क्या अच्छा बंदा है, वस्कुर इबादना इब्राहिम व इसहाक व याकूब, हमारे बंदों का तस्करा करो, इब्राहिम का तस्करा करो, इसहाक का तस्करा करो, याकूब का तस्करा करो, उलिल अयदी वल अबसार, यह ताकत रखने वाले बंदे, बसीरत रखने वाले बंदे, इब्राहिम का तस्करा करो, इसहाक का तस्करा करो, याकूब का जिक्र करो, जिक्र यह कुरान है। यहां दुनिया मिटी जा रही है इस बात पर कि बंदों का जिक्र करें कि ना करें, वस्कुर इबादना इब्राहिम व इसहाक व याकूब लाइदी व लपसा, ये मेरे ताकत रखने वाले बंदे थे, कुदरत रखने वाले बंदे थे, बसीरत रखने वाले बंदे थे, और फिर इन्ना अखलस ना हूं बेखौले सतिन जिक्रदार, हमने इनको खालिस कर लिया था आखिरत के लिए,
हमने इनको खालिस बना दिया था आकबत के। इन्नहुम इन्ना लमिनल मुस्तफाइन अलखियार, ये हमारे मुस्तफा बंदे हैं, ये हमारे मुस्तफा बंदे हैं, ये हमारे खैर बंदे हैं, नेक बंदे हैं। वस्कुर इस्माइल वल यसा वजिल किफले, इस्माइल का जिक्र करो, जिल किफल का जिक्र करो, अल यसा का जिक्र करो, कुल्लहुम मिन अलखियार, ये सब नेक बंदे हैं। उसके बाद हाजा जिक्रोन, यह जिक्र है, यह टुकड़ा है कुरान मजीद का, हाजा जिक्रोन यह जिक्र है, अय्यूब का जिक्र, दाऊद का जिक्र, सुलेमान का जिक्र, इब्राहिम का जिक्र, इसहाक का जिक्र, याकूब का जिक्र, इस्माइल का जिक्र, अलयसा का जिक्र, जिलकिफिल का जिक्र, हाजा जिक्रोन यह जिक्र है। बंदों ही के जिक्र में हमारी मारिफत हासिल होती है, उनका जिक्र करो। मगर इस्लाम पर गुफ्तगू करते हुए इस्लाम के इस अहम तरीन मंजिल को नजरअंदाज कर दिया गया कि इस्लाम ने अंबियाए मासबक की किस शान से गुफ्तगू की और किस तरह से उनका तारुफ करवाया और किस तरह से उनको पेश किया। क्यों? इस्लाम को रब्त क्या था? इस्लाम को रब्त यह था कि सिलसिला एक था, शजर एक था, शजर एक था, सिलसिला बतलाना मंजूर था कि इन्हीं मुस्तफा बंदों में से कोई मुस्तफा बंदा आएगा। और आपने अमदन नजरअंदाज कर दिया बंदों का जिक्र फकत इस वास्ते कि कहीं पढ़ने वालों की आदतें ना बदल जाएं। जिक्र सुनते सुनते फिर आपको तलाशे जिक्र ना हो, यही वो मंजिल है कि जहां कुरान मजीद ने अंबिया का जिक्र किया, उनकी तंजीह का जिक्र किया, उनकी इस्मत का जिक्र किया, उनकी बुजुर्गी का जिक्र किया, उनके इस्तीफा का जिक्र किया और फिर साफ तौर पर कहा इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहन व आला इब्राहिमा व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने मुस्तफा किया आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को, आले इमरान को। और फिर ये बतलाया कि शजर नबुव्वत एक है, हमने इधर उधर से अंबिया नहीं लिए, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल, उसी ने तुमको मुस्लिम का नाम दिया है, सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कबल, वो पहले ही से तुमको मुस्लिम पुकारते थे। आपने देखा, तो अब तो इस्लाम का ताल्लुक माजी से, इस्लाम की गुफ्तगू रिट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे जाना चाहिए ना, बहुत पहले से आना चाहिए, मगर उसको नजरअंदाज किया और दरमियान से इस्लाम को लिया, तो दरमियान से पैगंबर नजर आए, अजीब गुफ्त, इस्लाम दरमियान से नजर आया। अगर अदियान मासबक के सिलसिले में आप देखते कि दीन है, दीन मुसलसल दीन, वो शरा लकुम मिन दीन, उसमें बहुत सी शरीयतें आईं, हर नक्स अपने कमाल पर पहुंचा, तो इस्लाम की कुछ और शान मालूम होती। और दरमियान में खातम को देखा, अमीर मोमिनीन फरमाते हैं लम युक्ल सुभानहु खल्कहु मिन नबिय्यिन मुरसल औ किताबिन मुनज़ल औ हुज्जतिन लाज़िमा औ महज्जतिन खातिम क़ायमा, अल्लाह ने कभी अपनी मखलूक को बगैर हुज्जत के नहीं छोड़ा। कभी नबी मुरसल आया, कभी अल्लाह की क़ायम हुज्जत आई, अला ज़ालिक नुसिलतिल क़ुरून व मज़ातिद दुहूर व सलफतिल आबा व खलफतिल अबना, इसी तरह से जमाने गुजरे, आसार बदले, बाप दादा गए, औलाद आई, इला अन बअसल्लाहु सुभानहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक के खुदा ने खत्मी मर्तबत को मबूस किया मिन शजरिन सदा मिन्हा अंबियाहु, उसी दरख्त से जिस दरख्त से और अंबिया आए थे, मिन शजरतिन सदा मिन्हा अंबियाहु वंतकबा मिन्हा उमनाहु, जिसमें से अल्लाह ने अपने अमीन बंदों का इंतखाब कर लिया था, उसी शजर से खातम आए।
अब अंदाजा हुआ कि जितनी खुसूसियात पहले अंबिया में थी मकाम खातम में दर्जा कमाल पर पहुंच चुकी होंगी, लेकिन जब गुज़िश्ता काम का जिक्र ही नहीं किया जाता, न उनके मौजज़ात पर गुफ्तगू की जाती है, न उनके बराहीन को पेश किया जाता है, न उनके बयानात को पेश किया जाता है, तो मकाम खातम में पहुंचकर एक अजीब नाशनास माहौल नजर आता है। आदत नहीं रही है पहचानने की, इसलिए यह किताब का लिखने वाला खत्मी मर्तबत का जिक्र करते हुए भी किसी मौजजे का जिक्र नहीं करता, क्योंकि अगर गुज़िश्ता अंबिया पे गुफ्तगू होती तो उनके मौजजे भी सामने आते। क्यों मौजजे पे गुफ्तगू नहीं की गई? फकत इसीलिए कि अक्ल उसको कबूल नहीं करती। मैंने जैसा कि अर्ज किया, अक्ल ही तो ऐलान कर रही है कि हम यहां आजिज हैं, हम यहां आजिज हैं, और वहीं से उनके होने का सबूत होता है, वहीं से उनके होने का सबूत मिलता है कि अक्ल आजिज है, वरना हम भी इस तरह के बशर होते। खैर, अभी हम मौजजे पर गुफ्तगू करते हैं। ज़ाते खातम पर पहुंचकर एक मरतबा अखलाक, उसवे हसना, आपका मेल जोल, आपकी जिंदगी के कुछ पहलू, वही सीधी बातें एक जगह जमा कर ली गई, मगर उससे वो अंदाजा न चल सका और यह मालूम न हो सका कि कितना बातिनी लगाव दिल को जाते खातम से है। यह कह तो दिया कि हमारे चार राबिते हैं, ईमान, इताअत, इत्तबा, मोहब्बत, मगर इन सब का वाहिद नतीजा तो यह होना चाहिए था कि मा ताकुम रसूल फखुजूहू व मा नहाकुम अन्हू फंतहू, जो रसूल लाए ले लो, जिससे रसूल बाज रखे रुक जाओ। फत्तकुल्लाह, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपनी हिफाजत का ख्याल करो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, यह सूरह हश्र की आयत है। जो रसूल लाए ले लो, यह काहे का तकाजा था? ईमान, इताअत, इत्तबा, मोहब्बत। अगर यह है तो फिर जो लाए ले लो। अगर संग्रेजे उसकी हथेली पर तस्बीह कर रहे हैं, कबूल करो। अगर सूखा कुआं उसके लुआब अकदस की बरकत से उबल रहा है, मानो। यह क्या बात है कि वो सिर्फ आयत सुनाए तो लेंगे। ये कितनी अजीब गुफ्तगु जा रही है, फकत आयत सुनाए तो कबूल करेंगे और कुछ लाए और वो आने वाली चीज मौजजा बनकर आए तो उसको नहीं मानेंगे। पहली मरतबा जब रसूल ने ऐलान किया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, तो आपको मालूम है शाहिद ऐनी कौन था उस वक्त? गवाह कौन था आपको मालूम है? अली कहते हैं कि मैं हाजिर खिदमत था और मैं बच्चा था, मैं हाजिर खिदमत था जब आपने आवाज दी, कुफारे कुरैश ने आपको घेर लिया और कहा कि आपसे पहले भी बड़े बड़े दावा करने वाले आके चले गए, बयानात लेकर आए थे, आप कुछ मौजूदा दिखला सकते हो? तो आपने कहा दिखला तो सकता हूं, मगर मैं तुम में से बाज लोगों को देख रहा हूं कि बद्र के घड़े में तुमको मैं ढकेल रहा हूं, बाज लोगों को देख रहा हूं कि हमारी तलवारें तुम्हारा लहू पी रही हैं, और मौजूदे के देखने के बाद भी तुमको इनकार करने वाला पा रहा हूं, इसलिए क्यों जिद करो मौजूदे पर? उन्होंने कहा वो आने वाली बातें हैं, अब इस वक्त तो हमको बतला दें कि आपके कुदरत व इख्तियार व तसर्रुफ में क्या है। फरमाया क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? वो जो दूर दराज खड़ा हुआ है उससे कहो कि वो उनके नजदीक आए। अब ये नहजुल बलागा का पूरा खुतबा है, पूरा खुतबा है नहजुल बलागा का। अमीन मोमिनीन फरमाते हैं कि उस खुदाए कुद्दूस से लम यज़ल व ला यज़ाल की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, एक मरतबा खातम ने इशारा किया और वो दरख्त एक तैर की तरह से उड़ता हुआ नजदीक आया।
देखिए मौजदे के बाद मौजदा, मौजदे के बाद मौजदा, इस बात को पेश नजर रखिए। उन्होंने कहा कि अच्छा तो अब इसको कह दीजिए कि फिर वापस जाए। अच्छा जाओ। वो वापस तो अमीरुल मोमिनीन ने खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल मैं आपकी तस्दीक करता हूं, मैं आपकी तस्दीक करता हूं, ये न माने न माने। तो उस वक्त कुफ्फारे कुरैश ने ये जुमला कहा था, हल युसद्दिको का इल्ला मिस्लु हादा, क्या इस बच्चे के अलावा कोई और भी तस्दीक करने वाला है। हल युसद्दिको का इल्ला मिस्लु हादा, क्या इसके अलावा कोई और भी तस्दीक करने वाला है। यही कर सकता है तस्दीक, कोई और तस्दीक तो नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि मोजिजे की तस्दीक के लिए भी, मोजिजे की तस्दीक के लिए भी उस एगानगत बातिनी की जरूरत है कि जहां नबी शनास हो इंसान और दुनिया ताज्जुब करे, अरे मोजिजे की तस्दीक करता है। वो दिन और आज का दिन, अब भी यही गुफ्तगु है। अगर मौजजा बयान किया जाए और आपने तस्दीक की तो दुनिया कहेगी लीजिए वहां तो मौजजे पढ़े जा रहे थे, मौजजे पढ़े जा रहे थे। खैर गुफ्तगु यहां मुख्तसर होगी, मौजजे पढ़े जा रहे थे। लेकिन किस्सा यह है कि दरमियान से खातम का जिक्र एकाएक शुरू करने की वजह से कुछ सिलसिले रिसालत से गुफ्तगु मुनकता हुई, और फिर दुनिया को यह भी मालूम है कि उसके बाद ही लिख दिया जाएगा इन्नका मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन, तू भी मरने वाला है वो भी मर गए। तो अब सारी गुफ्तगु कुल 23 बरस की रह जाती है, कुल 23 बरस की रह जाती है, न इब्तिदा से दसल मुसलसल और न कोई अबदियत का तसव्वुर, न कोई अबदियत का तसव्वुर। और फिर उसके बाद मोजिजे की चूंकि जरूरत नहीं, इसलिए अब न उनका जिक्र कर सकें, न उनको याद कर सकें, न उनको सलाम कर सकें, न उनसे कुछ मांग सकें। इसलिए कि मांगा तो खुदा से जाता है। क्यों ऐसी गुफ्तगु आए? मगर एक अजीब बात यह है कि हमारे पास इस ममलकत में दो अमली है। एक तरफ तो वो तबका है मुफक्किरीन का जो ये सिखला रहे हैं कि खबरदार खबरदार, इखलासे बंदगी हाथ से न जाए, सिवा खुदा के किसी से न मांगना। और दूसरी तरफ वो तबका है जो मुसलसल इकबाल के पैगाम को आम किए जा रहा है, और इकबाल को जिद है कि मांगूंगा तो इन्हीं से मांगूंगा। अब ये दो अमली हमारे समझ में नहीं आती, और फिर दोनों बुलंदियों से है, दोनों कोशिशें बुलंदियों से हैं। एक मकाम पर अगर इल्म की बुलंदी है तो दूसरे मकाम पे सियासत की बुलंदी। हम हैरान हैं कि अब उस पैगाम को आम होता हुआ देखकर किस तरह चुप रहे हैं। मैंने बहुत अजीब बात है अपने हाफिजे पर जोर दिया तो पता चला कि 11 बरस पहले 12 बरस पहले जब मैं अपनी आखिरी तकरीरें इसी इमामबाड़े में कर रहा था तो मैंने उन्हीं तारीखों में ये चंद शेर अखबार के पढ़े थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका ततिम्मा भी आप आज सुन लें। मैंने 3 शेर उस दिन पढ़े थे जब यादव बखैर यहां की आखिरी तकरीरें कर रहा था, आज कुछ इजाफे के साथ। इकबाल कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम आज सिर नबी बेगाना शुद, मुसलमान नबी के राज से बेगाना हो गया। मुस्लिम सिर नबी बेगाना शुद बाज इन बैतुल हरम बुतखाना शुद। अब ये बैतुल हरम फिर बुतखाना हो गया। अज मना तो लातो उज्जाओ हुबल हरो की दारत बुते अंदर बगल, टूटे नहीं वो बुत, वो पत्थर के बुत थे जो टूट गए,
यहाँ कुछ और बुत है, अदमनातो लातो उज्जाओ हुबल, हर एक ही दारत बुते अंदर बगल, सबके बगल में एक एक बुत है। अब इसकी तशरीह की जाए तो घंटों लग जाएंगे, कैसा बुत कहाँ है। अदमनातो लातो उज्जाओ हुबल, हर एक ही दारत बुते अंदर बगल, और ये अखबाल है मेरी माजरत, मेरी माजरत। शेर पढ़ना लाजिम है। शायक माँ अज ब्रह्मन काफिर तरस्त, और हमारा शायक तो ब्रह्मन से ज्यादा काफिर है। अब ये इशारा कहाँ है मुझे नहीं मालूम। शायक माँ अज ब्रह्मन काफिर तरस्त, हमारा शायक तो ब्रह्मन से भी गया गुजरा। क्यों? जुन के ऊरा सोमनाथ अंदर सरस, या शेख के सर में सोमनाथ है। यहां शेख के सर में सोमनाथ है। अब इस एतराज के बाद उन्होंने शुरू किया, ऐ फुरोगत सुबह आसारो दहूर। रसूल की तरफ किताब करके कहा कि ऐ तेरा वजूद हर असर की सुबह है, हर दहर की सुबह है। यह है इनका मकाम तसर्रुफ। आए फुरोगत सुबह आसारो दहूर, अलिफ आइन सुवात अलिफ रे, असर की जमा आसार, दहर की जमा दहूर। आए फुरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तो बीनिंदे माफी सुदूर। आए दिलों की गहराइयों में देखने वाले। अब क्या कहते हैं उलमा, यह पैगाम तो आम हो रहा है, और यह मैं अशार पढ़ रहा हूं, यह आखिरी हिस्सा है रुमूज़े खुदी और बेखुदी का। आए फुरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तो बिनिंदे माफी सुदूर। आए के शाने रहमतत गेसु दराज, आए के शाने रहमतत गेती नमाज, आए के तेरी रहमत की शान सारे गेती को घेरे हुए है, दुनिया को घेरे हुए है। आरजू दारम के मीरम दर हिजाज, इकबाल की आरजू है कि मैं हिजाज में मर जाऊं। है चूं पूरा सराए रोजगार, पै करशरा दैर गीरत दरकनार। ये आखिरी नज़म है, देखिए। अब मैं इकबाल के सियासी अफकार पे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इस नज़म पे अगर ज्यादा अमीर गुफ्तगू हो जाए तो बड़ी हैरानी है। हैफ चूं उरा सराएद रोजगार, पै करशरा दैर गीरत दरकनार। मुझे अफसोस ये है कि अगर मैं मर जाऊं तो बुतखाना मुझे गोद में ले। लाहौर में मर रहे हैं। हैफ चूं उरा सराएद रोजगार, करशरा दायर गीरत दरकना। मुस्लिम मासिवा बेगा नहीं, ताकुजाओ जुन्नारी है पुथा नहीं। मैं सारे मासिवा से बेगाना हूं, मैं क्यों पुथाने का जुन्नारी रहूं। कौ कबमरा दीदाए बेदार बख्श, मेरे सितारे को दीदाए बेदार अता हो। मरकदी दर साये दीवार बख्श, अपने दीवार के साये में एक मरकद की जगह दे दे। जरा गौर कीजिए, तलब तलब तलब। को कबमरा तालिब दीदाए बेदार बख्श, मरकदी दर साये दीवार बख्श। अब आखिरी मंजिल, अजदरत खेजत अगर अज्जाए मन, वाए इमरोजम खुशा फरदाए मन। कयामत के दिन अगर तेरे आस्ताने से मेरे जिस्म के टुकड़े निकाले जाएं तो हाय आज पर, और मुबारक हो मेरे लिए आने वाला कल। मैं शर्म के जब मेरा हश्र तेरी बारगाह से हो तो वहां उस जमीन में दफन होना चाहते हैं, तलब करते हैं। आखिरी शेर, मस्कने यारस्तो शहरे शाहे मन, मदीना
मस्कन यारस्तो शहरे शाह मन पेशे मोमिन इन बुआ धुबुल वतन। कहा है वतनियत? पेशे मोमिन इन बुआ धुबुल वतन। हमारे नजदीक एक फिकी मसला है और वो ये कि बात खास मकामात हैं जहाँ इख्तियार दिया गया है कि नमाज आप उसको वतन समझ के कसर न करें। एक मुस्तकिल मसला है। तो मैं ये कर रहा था कि आपने देखा इस पैगाम को, इस पैगाम को देखा, उधर ये गुफ्तगू कि उनको मानो कि वो मर गए और सुन्नत बाकी है, सुन्नत बाकी है, और इधर पैगाम यह नशर हो रहा है कि अबदियत है, सलाम के काबिल है, दुरूद के काबिल है, पुकारा जा रहा है, मांगा जा रहा है। तो ये आदत कैसे आ गई? इसलिए आई कि बंदगी को उस मंजिले कमाल पर नहीं देखा जहां बंदगी जाकर अबदी हो जाती है। मेरी गुफ्तगू में एक एक जुमला आपकी समाज के लिए हदिया है और एक दावत फिक्र। जिंदगी को पैगंबर की उस शान से नहीं देखा कि जहां जिंदगी अबदी हो जाती। कैसे हो गई अबदी? ताज्जुब है कि उन तमाम मौजूदों का इनकार करते करते कलाम मजीद के एक सूरे की 18 आयतों के बावजूद, 18 मुसलसल आयतों के बावजूद इस्लामी नजरिए हयात का गुफ्तगू करने वाला मेराज पर गुफ्तगू नहीं करता। हमारा मौकफ यह है कि सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं जो मेराज का मुनकिर हो वो हम में से नहीं है। और यहां पूरी किताब में मेराज पे गुफ्तगू नहीं है। मेराज पे गुफ्तगू होती तो क्या हो जाता? कोई मौजूदा था मेराज? नहीं नहीं, बंदगी का वो कमाल कि सुभान अल्लज़ी असरा बे अब्दही, अब्दियत की मेराज, अब्दियत की मेराज है जहां जमान नहीं है, मकान नहीं है, इजाफते नहीं है, वो मकान के जहां आयन नहीं है, जहां मता नहीं है, जहां गुज़िश्ता नहीं है, जहां आइंदा नहीं है, जहां कैफ नहीं है, जहां कम नहीं है, उस मंजिल पर जाना। सुभानल्लज़ी असरा बे अब्दिही, पाक है वो जिसने सैर करवाई अपने बंदे को। आयत की मौजूदगी में इस पूरे किस्से को छोड़ देना क्या मसलहत है? फकत इसलिए कि अकल कबूल नहीं करती? जोर देना तो यही है कि अकल कामिल की वो मंजिल कमाल है कि जो आज अगर हमारे अकल में ना आए तो मुमकिन है तरक्की पजीर अकल किसी दौर में जाकर जान ले कि मेराज क्यों जरूरी है। अगर अंबिया के माजिद सामने होते, अगर अंबिया के मकामात सामने होते तो खातमियत के लिए मेराज का होना लाजमी करार पाता, मगर चूंकि सिलसिला टूटा इसलिए मेराज को नजरअंदाज किया गया। और वहां आयतों पर आयतें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह 53वां सूरा है, वन्नज्म इज़ा हवा, कसम है तारे की जो झुक रहा हो, वह तारा गवाह है जो अपनी हरकत में, जो अपनी हरकत में हादी है, तारों की हरकत हिदायत करती है, रात में चलने वाले कारवानों की, वन नज्म इज़ा हवा, वह तारा गवाह है, मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साथी न गुमराह हुआ न बहक गया। साहिबुकुम है, सहाबा नहीं है। इससे पहले गुफ्तगू हो चुकी है कि साहिब पर धोखा खाए थे। मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साथी न बहका न गुमराह हुआ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, ये अपने काहिश नफ से बात नहीं करता,
مگر ان کے وحی آئے مسلسل آئے, تو یہ ناطقہ پیغمبر ہے, وہ منزل ہدایت پیغمبر ہے. آیتیں لکھی جاتی مسلسل, صرف ترجمہ کیا جاتا, صرف ترجمہ کیا جاتا. اللہ شدید القوا, کماؤ لے اقتدار اور قوت رکھنے والے نے اس کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن, علمہ شدید القوا ذو مرۃ استوا, وہ اقتدار والا کہ جس کے اقتدار ایک حالت اعتدال پر قائم کر دیا اپنے عبد کو. فاستوا مستوی ہوا, اور پھر اس کے بعد وہو بالافق الاعلی, اور یہ بندہ افق الاعلی پر تھا, افق اعلی پر تھا. وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلا, پھر نزدیک ہوا, ڈول کے مانند ہو گیا, افق اعلی پہ آیا, دنا فتدلا کی منزل پہ آیا. فکانا قاب قوسین او ادنی, جیسے دو کمان تھے آپس میں مل گئے, بلکہ اور نزدیک ہو گئے. اب اس مقام پر کیسے منازل ہیں. ما کذب الفؤاد ما را, پیغمبر نے جو دیکھا اپنی آنکھوں سے, پیغمبر کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں, دل اور نگاہ ایک تھی. ما کذب الفؤاد ما را, جو آنکھوں نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں, دل نے اس کی تردید نہیں کی, آنکھ نے دیکھا دل نے مانا. اور پھر لقد راہ نزلۃ اخرى, اترتے ہوئے پھر دیکھا. عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا, جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس کو. سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا, یخشا سدرت ما یخشا, وہ سدرا جو چھایا ہوا ہے جس طرح سے کہ اس کو چھا جانا چاہیے. اور اس کے بعد وہ منزل کہ جہاں ما زاغل بسار و ما تغا, آنکھوں نے دھوکا نہیں دیا, دل نے بغاوت نہیں کی. ما زاغل بسار, لقد را من آیات ربہ الکبرى, اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا. یہ 18th آیت ہے اس سلسلے کی, مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نجم پہ نظر ہی نہیں گئی. اور معراج کو چھوڑ, معراج سے فائدہ کیا تھا؟ معراج سے فائدہ یہ تھا کہ اس مقام قرب کمال پر گئے, کہ جو مقام قرب کمال یہ بتلا رہا تھا کہ آغاز میں جو نور تھا معراج میں اسی نورانیت کی منزل پر فائز ہوا, کہ جو یوں کہا جائے کہ ایک سفر تھا, من الخلق مع الحق الى الحق, خلق سے چلے حق کے ساتھ چلے, حق کے پاس گئے. من القلق مع الحق الى الحق, سبحان الذي اسرى بعبده, جو ساتھ لے کر چلا اپنے بندے کو اور واپس آئے تو من الحق مع الحق في الخلق, حق کے پاس سے آئے, حق کے ساتھ آئے, خلق میں آئے. چونکہ حق ساتھ ساتھ ہے اس لیے معراج متصل, یہ بڑی منزل ہے. معراج متصل یعنی آنی نہیں, فانی نہیں, نبی کی معراج. ارے آپ کو تو لکھنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ نماز پر گفتگو کر رہے تھے, وہیں سے تو آ کے کہا کہ مجھے معراج ہوئی. تو کیا ہر مومن کے لیے معراج ہے, الصلاۃ معراج المومن, مومن کے لیے معراج نماز بندگی ہے.
कम से कम मेराज की गुफ्तगू मोमिन की मेराज को तो साबित करती, मगर मेराज पर बाज मसलहतों की बिना पे गुफ्तगू नहीं हुई कि कर्क इल्तियाम अफलाक में मुमकिन है कि नहीं, जिस्मानी मेराज थी कि रूहानी मेराज थी। शाह वलीउल्लाह ने इजाज़तुल हुज्जतुल्लाहुल बालिगा में वाज़ह तौर पे लिख दिया कि मेराज हुई, मगर मेराज से पहले दिल को चाक किया गया था ताकि दिल को पाक करें, दिल को पाक करें, और शरह सदर लाजिम था मेराज के वास्ते। मगर आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेराज नबूवत से पहले नहीं है, इशारों को समझ। मेराज नबूवत से पहले नहीं है, नबूवत के बाद मेराज। तो जिस बंदे को नबूवत देता है बगैर शरह सदर के, उसको नजदीक बुलाता है तो शरह सदर करता है। बहरहाल यह सिलसिला आया और इस पर मजीद मबाहिस चाहिए, मेराज का जिक्र नहीं था। मेराज का जिक्र न करके उसवाए हसना में गार का जिक्र करना, यह हमारे लिए ताज्जुब खेज था, इसलिए कि उसवाए हसना में वाकया गार यानी हिजरत की रात पैगंबर का गार में आना, इस पे तो कलम फरसाई हुई, मेराज को छोड़ दिया। अच्छा, हमारा यह आलम है कि हम किसी वाकये को छोड़ना ही नहीं चाहते, हम किसी वाकये को छोड़ना नहीं चाहते, न गार न मेराज। क्यों छोड़े गार को? क्या तारीखी हकीकत नहीं है? तारीख का एक अहम वाकया, एक अहम वाकया है, कुरान मजीद साफ है कि कहा अपने साथी को रसूल ने ला तहज़न इन्नल्लाहा माना, कुरान मजीद साथ है, हम कैसे इनकार करें? और हकायक़े तारीखी का कोई अकलमंद आदमी कभी इनकार नहीं कर सकता। इनकार वो करे जो आदमी को हटाकर किसी दूसरे आदमी को वहां रखना चाहे। हम किसी आदमी को ला नहीं सकते हैं। आप बद्र में इनकार कर सकते हैं, खैबर में इनकार कर सकते हैं, खंदक में इनकार कर सकते हैं, उहद में इनकार कर सकते हैं, मुमकिन है आपको आदमी मिल जाए। मुमकिन, मुमकिन है आपको आदमी मिल जाए, इसलिए कि आपने तस्करा नहीं किया। मगर हम यह चाहते हैं कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का कोई वाकया निगाह से न हटे, ताकि पता चले कि मकाम खातम क्या है। गार में आए और अपने एक अजीज साथी को साथ लिया और यह कहकर कि अल्लाह ने वादा किया है मेरी हिफाजत का, तुम भी महफूज हो, तुम भी महफूज हो, यकीन कर लो कि अगर मुझे बचाएगा तुमको बचाएगा। उस पर इन्होंने लिखा, खुर्शीद अहमद साहब ने, अपनी मालूम नहीं किसका मजमून है, बहरहाल उस वसना में के हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा हम दो ही हैं, इरशाद में हम दो नहीं हैं, इन अल्लाह हमाना, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये हकीकत तारीखी, हकीकत तारीखी है कि रसूल महफूज थे और चाहते थे कि उनका साथी भी महफूज रहे, यह करामत है रसूल है। मगर जहां तलवारें चमक रही थी बिस्तर पर, वहां कोई और आ न सका, वही आया, वही आया जिसने बड़े इत्मीनान के साथ यह ऐलान किया था, قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا احمر الباس واهجم الناس قدم اهل بيته وبقى بهم اصحابه। जब कभी जंग की आग भड़कती तो रसूल की आदत थी असहाब को बचा लेते और हम को ढकेल लेते। असहाब को बचा लेते, वकाबहिम असहाबहु, और हमको ढकेल, तुम जाओ, तुम जाओ,
ظاہر ہے کہ نفس ہی جا سکتا تھا. لا تکلف الا نفسک. تو ایسی منزل پر شب ہجرت کے بستر سے غار تک ایک سلسلہ فکر ہے, مگر وہ بستر قابل ذکر نہ تھا. جب افراد پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے تو پھر کتاب میں کسی کا نام نہیں آنا چاہیے تھا. جب بستر نہیں اور وہ کتنی ذمہ داری ہے, کتنی ذمہ داری ہے کہ اگر گھبرا کے کوئی اسی وقت چادر ہٹا دے یا وہی غصے میں آ کے چادر چھین لے اور پہچان کے پیچھے دوڑے. مگر نفس مطمئنہ نے یہ ثابت کیا کہ یہ منزل فدویت انہی کے لیے ہے جو منزل انفسنا پر فائز ہے. غار پہ گفتگو ہوئی. اب اس وے حسنا میں اس کے بعد پھر سناٹا, پھر سناٹا. تو اس کے بعد اور بھی تو واقعات تھے, مدنی زندگی تھی. ان واقعات کو دیکھنا بہت ضروری ہے پیغمبر کی زندگی میں, کہ جن واقعات نے نسلن بعد نسلن, وہ جیلن بعد جیلن, وہ قبیلن بعد قبیلن تاریخ عرب کو متاثر کر دیا. غار نے متاثر نہیں کیا, جنگ بدر نے متاثر کیا. جنگ بدر نے متاثر کیا, تاریخ اسلام کے دھارے بدل گئے. بدر کا نتیجہ احد, بدر کا نتیجہ خیبر, بدر کا نتیجہ خندق, بدر کا نتیجہ موتا. جنگ موتا بدر کا نتیجہ. ہر منزل پر, ہر موقع پر یہی صورت کہ اچھا بدر میں ہمارے نانا کو مار دیا, ہمارے چچا کو مار دیا, ہمارے بھائی کو قتل کر دیا, ہمارے عزیزوں کو قتل کر دیا, ہم بھی بدلہ لیں گے. بدلہ لیں گے اور رسول مطمئن, رسول مطمئن کے ایسوں کو چھوڑ جا رہا ہوں کہ اگر ان سے کوئی بدلہ لینا چاہے تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ رسول دو چیزیں چھوڑ گئے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ بدر کے بعد رسول نے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک ایسی تربیت یافتہ نمائندگی کی ضرورت ہے رسول کی. میرے الفاظ غور کیجئے, ایک ایسی تربیت یافتہ نمائندگی چاہیے, ایک ایسا ٹرینڈ ریپرزنٹیشن چاہیے کہ جب انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے تو یہ کوئی نہ کہے کہ جانے دو ماضی کا واقعہ ہے, وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, بخش دو. نہیں نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. رسول نے جو کیا حق کیا, خبردار, جو کیا حق کیا. لڑتے ہو لڑو, لڑتے ہو لڑو. ایک وہ بھی دن آیا کہ صفین کا آخری دور, عمار یاسر کو کھڑے ہو کر کہنا پڑا. عمار یاسر مشہور صحابی ہے رسول کے. عمار یاسر کو کہنا پڑا کہ سنو اے لشکر مخالف, ہم رسول کی ساری زندگی میں اسی علم کے نیچے کھڑے ہو کر تم سے لڑ چکے ہیں تنزیل پر, اور آج رسول کے بعد اسی علم کے زیر سایہ تم سے لڑ رہے ہیں تاویل پر. ہم مسلسل لڑتے ہوئے آئے اور آج لڑ رہے ہیں,
कभी तंजील पर लड़े, कभी तावील पर लड़े। और फिर अली का यह आलम कि बार बार कह रहे हैं वल्लाही लौ तज़ाहरत अरब अला क़िताली लमा वल्लैतु अन्हा, अगर यह सारा अरब मुझे अकेले से लड़ने के लिए आए तो मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, लड़ लो, बदला ले लो, इंतकाम ले लो। मगर एक अजीब बात, जंगे बद्र को सराहने वाले खैबरो खंदको अहजाबो ओहद पर गुफ्तगू करने वाले और यह लिखने वाले कि अल्लाह के फजल से रसूल कामयाब रहे, तो उस फजल इलाही पर गुफ्तगू फकत यहीं जाके खत्म हो जाती है कि यह जज्बा जहाद मुसलमानों में पैदा होना चाहिए। मगर कभी इसका ख्याल नहीं हुआ कि बाद में जैसे जैसे लड़ाइयां आगे बढ़ती चली, कुफार कुरैश मुसलमान होते चले, और मगर दिल में उसी कीने के साथ कि हमारे इतने अजीज मारे गए हैं इनके हाथों, बदला लेंगे। करबला खत्म हुई, सरकारी तौर पर उसकी इत्तला 10 दिन में मदीना पहुंची। वालिया मदीना कूफे के खत को लिए हुए घर से निकला, रोजे रसूल पर पहुंचा, खबर रसूल पर खत फेंक के कहा लो मोहम्मद बदर का बदला। ये बदर का बदला है, बदर का बदला काफी था ये कि बनी हाशिम कत्ल कर दिए जाते, मगर सैदानिया शाम तक गई और हाकिम शाम की जबान से यह जुमला लैत अशियाती बदर शहीदू, बदर में मारे जाने वाले मेरे बुजुर्ग जिंदा होते तो देखते कि कैसा बदला ले लिया। कहां तक जाएगा यह असर, कहां तक जाएगा यह असर? आज न यजीद है न वो वाली मदीना, मगर फिर भी कुछ है परखाश कि बदर का नाम नहीं लिया जाता, खैबर का नाम नहीं लिया जाता, खंदक का तस्किरा नहीं किया जाता। ठीक है, हम मुतमईन इसलिए हैं कि जो भी किताब लिखी जाएगी वो तो यकीनन इल्म में इजाफे के लिए, खा नकदो नजर से इजाफा हो या उसको पढ़ के इजाफा किया जाए, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हर चीज कबूल है, इसलिए कि गौर करने का मौका मिलता है कि दिल में क्या है, गौर करने का मौका मिलता है कि दिल में क्या है, किस मेंटल रिजर्वेशन के साथ किताब लिखी गई है। तो किताब खत्म हुई, इस्लामी नजरिया हयात कल आखिरी गुफ्तगू है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, खुलासा पेश करना पड़ेगा। आज सिर्फ इतना अर्ज कर कि कूफे में भी मुसलमान थे, जब सैदानियां आई शाम में भी मुसलमान थे, जब सैदानियां आई हैं, शाम दारुल खिलाफा था, आलम इस्लाम, दरबार में जगह न थी, बहुत काविश के बाद यह तय किया गया कि चूंकि मस्जिद बहुत बड़ी है इसलिए मस्जिद में दरबार हुआ, रसूल की मस्जिद में दरबार हुआ, सलीके से कुर्सियां सजाई गई, 700 से 900 तक की कुर्सियों की गिनती मिलती है, हर कुर्सी पे कबीले का सरदार या कोई रुकने रकीन या असातीन ममलिकत में से कोई या फिर कोई सफीर, और उसके पीछे उसके गुलाम जर्रीन कमर बांधे हुए अपने अपने ओहदों की नुमाइश करते हैं, और ऐसे में
बराबर इत्तलाएं आ रही हैं, कैदी आ रहे हैं, मुसलमान सुन रहे हैं, कैदी आ रहे हैं, हाकिम को जल्दी आए लाओ। और यहां आदमी दौड़ता है कि गिरते हुए बच्चों को उठाओ, ताजियाने लगाओ। साहेब रियाज की इबारत है कि जब जल्दी करते हुए ये सिपाही बच्चों के पास जाते और कहते जल्दी चलो, हाकिम इंतजार कर रहा है, और ताजियाना उठाते तो बच्चे खुदा का वास्ता देते, अरे नमार। लिल्ला हमें नमार, थके हुए आ रहे हैं, बड़ी दूर से आ रहे हैं। कल मैंने यहां तक अर्ज किया था कि शाहजादी ने आखिरी मंजिल पर पहुंच के नाना को सलाम किया, और एक मरतबा सारे कबीले से मुड़ के कहा घबराना नहीं, होने दो दरबार, असदुल्लाह की बेटी साथ, परेशान ना होना, तुम्हारी मुहाफिज ज़ैनब है, मेरे बच्चों घबराना नहीं, अल्लाह मुहाफिज है। उधर वो सब कह चुकी और एक मरतबा आबिद बीमार से कहा बेटा 21वीं रमजान की रात बाबा मुझे कहते थे ज़ैनब अकेली नहीं होगी, मैं आऊंगा। आबिद बीमार, बाबा को पुकार लो। दो चार दकीके और एक मरतबा दरबार का दरवाजा खुला, सबसे पहले आबिद बीमार दाखिल हुए, मुसलमान सल्तनत का दरबार, इस्लामी सल्तनत का दरबार, आबिद बीमार दाखिल, और आबिद बीमार के साथ था कुछ बच्चे, फिर कनीजें, कनीजों के हलके में शहजादी ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता वकार के साथ एक मकाम पर जाके रुके, आए दरबार में रोते हुए जिस वक्त असीर देख कर आबिद बीमार को बोला वो शरीर, सरकशी करके न सरबर हुए हमसे शब्बीर, शुक्र करता हूं कि खालिक ने किया तुमको असीर, बैठने का कहीं दुनिया में सहारा न रहा, पंजा लूट गए अब जोर तुम्हारा न रहा, सुन के ये आ गया बिलते गए मर्दा को जला। रो के फरमाया कि क्या बकता है वो बदाफाल, साहेबे इज्जत और तौकीर मोहम्मद की हयाल, कभी हम लोगों की इज्जत पर ना आएगा जवाब, हमको बेकदर जो समझा तो खता करता है, देख मुसफ में खुदा किसकी सना करता है। आले अहमद को हिकारत से न देखो मखूर, ये वो मंजिल है के जहां वो खुदबा शहजादी का पुरजलाल शुरू होता है कि जिसकी बुनियादें मैं रख रहा हूं, और इस तरह उसने अंदाजा लगाया कि शहजादियां मदीने की दरबार में आई, मुतवज्जे हुआ पहले सर की तरफ और कहा ज़ुहर इब्न क़ैस, अच्छा तो ये हुसैन और ये कहिए अब्बास, और कहिए ये अली अकबर, कहिए ये औनो मोहम्मद, और कहिए ये कासिम है, और ये छोटा सा सर कहिए हुसैन का 6 महीने का बच्चा, उम्र बाप खड़ी है, सरों का जायजा खत्म हुआ, का ये कौन है, का ये अली इब्न हुसैन, आबिद बीमार
کہ وہ کون ہے؟ وہ حسین کی چھوٹی بد بیٹی ہے, سکینہ نام. سکینہ, میں نے بڑی تعریف سنی ہے, حسین بہت چاہتے تھے اس بچی کو. ادھر آؤ سکینہ, ادھر آؤ. آہستہ آہستہ شہزادی نے بڑھنے کی کوشش کی اور پھر رک گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا کیسے آؤں, میرا گلا بندھا ہوا. کہا رسی کھول دو. رسی کھول دی گئی. سکینہ ادھر آؤ. سکینہ یہ تمہارے باپ کا سر ہے؟ کہاں. سکینہ تمہارے باپ امام تھے؟ کہاں. سکینہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے باپ تمہاری گود میں آ جائے؟ بگڑ کے 3 برس کی بچی نے کہا تو میرے باپ کی محبت کا امتحان لے رہا. ایک مرتبہ پھٹا ہوا کرتا پھیلا کے اس نے کہا بابا آؤ آؤ.